सबके लिए होता है, कोई सड़क है, नाला है, पार्क है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई अस्पताल है, कोई रेलवे है, कोई फाटक है, कोई पुल है, ये सारी बातें जैसे आप बताएंगे सारी हो जाएगी। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, 1,15,000 करोड़ रुपया इस बार का हमारा बजट था, वो सारा हरियाणा में लगाना है, उन्हें भी कर ही रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक से बढ़कर के काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। बात मेरी भी जवाब मेरी बात का भी जवाब दे देना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 3 साल का हमारा काम था सरकार में काम करना, और सरकार में काम करने के कई प्रभाव होते हैं, उस प्रभाव के कारण से जो फल मिलते हैं आपको भी भुना गुरु उसका फल मिला ही होगा। मुझे जानकारी मिली है कि आज तक के इतिहास में इतना पैसा पहले कभी याद नहीं आया, इस 3.5 साल में भुना कस्बे में 100 करोड़ रुपए के काम हुए हैं पूरे 60 साल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सारे काम केवल भुना में कराया, ऐसा नहीं पूरे हरियाणा में कैसे कराए हैं। अब कामों की शिकायत किसी के नहीं है, लेकिन फिर भी काम ऐसी चीज है कोई ना कोई दिमाग में नई चीज आती रहती है। 2.5 करोड़ लोग हैं, हो सकता है कि एक काम बताए तो 2.5 करोड़ काम हो जाएंगे। हम छोटे बड़े सब काम कराने के लिए तैयार हैं। आप हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके माध्यम से काम उनको भेजते रहिए। सार्वजनिक काम सारे होंगे, व्यक्तिगत काम का कोई मुझे जानकारी नहीं, किसी का होगा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत काम की इच्छाएं अलग अलग होती है। आपकी जानकारी के लिए कल एक बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया, मालूम है ना क्या लिया था? खाली देरी नहीं, 14 फसलों के काम बचती है, और 14 फसलों के काम बचने के बाद हमारा जो वायदा था कि जो लागत कीमत है, जो खर्चा आता है उसके ऊपर 50% का लाभ हम निश्चित देंगे, तो 50% क्या बाजरे पर तो 96% हो गया, अरहर की दाल पर 68% हो गया, मूंग की दाल पर 62% हो गया, 14 फसलें कट की है। अब जो रबी, ये तो खरीफ की फसल है, जैसे ही रबी की फसल आएगी उसका भी उचित समय के ऊपर नवंबर दिसंबर में उसका मुआवजा, ये मुआवजा नहीं उसका जो कीमत है वो भी घोषित की जाएगी, और किसान की खुशहाली ये हमारे लिए प्राथमिकता है। किसान खुशहाल होगा तो सारा प्रदेश खुशहाल होगा,